हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञानम में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी वैगनार के स्टीरियो एंड सिगरेट लाइटर पॉइंट के बारे में। प्रॉब्लम आ रही है जो कि चलते चलते कार में इसको बंद हो जाना, दिस इज़ ड्यू टू वायर प्रॉब्लम, फ्यूज़ प्रॉब्लम के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये जानने के लिए आइए हम इसे ओपन करेंगे। और ओपन करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डैशबोर्ड को पूरा निकालना होगा। तो डैशबोर्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टीरियो को बाहर निकाल रहा हूँ, स्टीरियो की जो ट्रे थी उसे बाहर निकाल रहा हूँ। ट्रे को बाहर निकाल के फ्रेंड्स यह मैं आपको बता देता हूँ, स्टीरियो के जस्ट ऊपर डैशबोर्ड में यहाँ पर दो स्क्रूज होते हैं, आप उसे फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्क्रू फ्रेंड्स यहाँ पर है और दूसरा स्क्रू यहाँ पर है। तो यहाँ खोलने के लिए फ्रेंड्स मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है जो कि मैं कार में ही रखता हूँ। फ्रेंड्स ये मल्टी यूटिलिटी है, इसमें दो हेड हैं, एक साइड तो फिलिप्स हेड है एंड अदर साइड इसमें स्टेट हेड है, फ्लैट हेड। तो मैं इससे फिलिप्स हेड यूज करने के लिए इसे रेडी कर देता हूँ एंड हम स्क्रूज खोलना ओपन करते हैं। फ्रेंड्स आप भी कार में ऐसे टाइप का स्क्रू ड्राइवर रख सकते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल है। अब फ्रेंड्स ये डैशबोर्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिगरेट लाइटर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। जस्ट नीचे से मैंने इसे पुल किया और पूरा डैशबोर्ड मेरे हाथ के साथ बाहर आ गया। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पाएंगे सिगरेट लाइटर के वायर, यहाँ पे एक सेंटर में वायर लगी है एंड जो कि माइट बी पॉजिटिव एंड बाहर जो लगी है वो नेगेटिव है। ये आपके सिगरेट लाइटर के पॉइंट से आ रही है एंड बैटरी से फ्यूज के थ्रू यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं आपके म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो म्यूजिक सिस्टम निकालने के लिए यहाँ पर सामने चार स्क्रूज दिख रहे हैं हमें, तो मैं इन्हें ओपन करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस जो डैशबोर्ड मैंने खोला है इसे हटा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पाए तो कुछ ऐसा दिखता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी म्यूजिक सिस्टम की तरफ चलते हैं। जस्ट हम इस ट्रे को पुल करेंगे तो सारा म्यूजिक सिस्टम है जो हमारा वो बाहर आ जाएगा, साथ में इसकी वायरिंग आ जाएगी। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इसमें वायरिंग क्या क्या है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये है हमारा
ट्यूनर का एंटीना का केबल। इसके बाद ये है फ्रेंड्स इसका वायरिंग का जो सॉकेट आ रहा है वो इसमें लगा है। तो मैं पहले एंटीना को निकाल देता हूँ। एंटीना को निकालने के लिए जस्ट हमें इसे पुल करना होगा, तो इस टाइप का सॉकेट बाहर आ जाएगा। ये एंटीना का सॉकेट है एंड इसे भी मैं पुल कर दूंगा। तो सिंपल पुल होके इस टाइप का सॉकेट है ये बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो कि प्रॉब्लम एक आ सकती है अगर आपके म्यूजिक सिस्टम के विदिन कहीं शॉर्टिंग है या कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम के जस्ट पीछे 10 एम्प्स का एक फ्यूज़ लगा है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम आपका म्यूजिक सिस्टम शायद ना चल रहा हो, तो मैं इसे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ओके है। आप भी यहाँ देख सकते हैं जिसे मैं वापस लगा देता हूँ। और एक प्रॉब्लम ये हो सकती है फ्रेंड्स कि आपके जो कनेक्टर है वो ये लूज़ हो गया हो यहाँ से, इसी वजह से ये आपका म्यूजिक सिस्टम काम ना कर पा रहा हो, और या फिर आपका सिग्नल लेटर पॉइंट भी काम ना कर पा रहा हो। मैंने आपको पहले दिखाया था, पहले एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है आपका सिग्नल लाइटर बिल्कुल ढीला हो जाता है, एकदम कार के साथ खड़ 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 टाइप की आवाज़ करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सॉरी, तो जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्क्रू टाइप का सिस्टम है ये, आपको जस्ट इसे टाइट करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अंदर से कुछ चीज़ होल्ड करके इसे पकड़ के इसे जस्ट घुमा के टाइट करना होगा, इससे अच्छे से टाइट हो जाएगा, फर्म टाइट हो जाएगा और आपको वो खड़खड़ की जो साउंड होगी वो भी बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ उसको रीअसेंबल कर देता हूँ, तो आइए अब हम इसे जोड़ देते हैं। इंसर्ट कर रहा हूँ एंटीना केबल को वापस सेम पोजीशन में डाल रहा हूँ। कई बार आपकी गाड़ी में ऐसा हो सकता है कि एफएम काम ना कर रहा हो, आप एफएम ऑन कर रहे हैं तो ओनली चैनल कैच नहीं कर पाए सभी, तो आप उसके लिए एफएम केबल को भी एक बारी जरूर देख सकते हैं। लगा दिया दोनों को। तो फ्रेंड एक चीज और मैं आपको बता दूं, जस्ट इससे पीछे भी एक अटैचमेंट सॉकेट है, ठीक है, तो आप इसे भी एक बार चेक कर सकते हैं जरूर, कहीं पता चले इसी यही कहीं लूज कनेक्शन रह जाए, ठीक है। तो फोन लेने बंद कर दिया, हम स्टीरियो को वापस अंदर डाल रहे हैं। हमें क्या करना है, वापस चार स्क्रू अपनी अपनी पोजिशन पे लगा देने हैं। तो फर्स्ट स्क्रू ये रहा,
फर्मली टाइट कर दिया है और वापस हम हमारा जो मॉडल लुक में डैशबोर्ड है अटैच कर देंगे। यहाँ पर जो कनेक्टर्स को देखते ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे लगेंगे, सेंटर में। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ है, अगर आपको कभी अपने एसी के वेंट्स क्लीन करने हैं तो आप इसे ओपन करके इजीली असेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इजीली पूरा असेस करके क्लीनिंग कर सकते हैं अंदर तक। ये छोटी सी बोनस टिप थी, अब वापस इसे लगा के हल्का सा पुश करते हुए इसको उसके अपनी जगह पे बिठा दे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लगा दिया सही से। अब ये दो स्क्रूज जहाँ पर थे उनकी पोजीशन में लगा देते हैं इनको। ट्रे को इंस्टॉल कर देते हैं। फ्रेंड्स इस तरह हम छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है उनको घर पे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ अगर इसके बाद भी आपका म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आपको टेक्नीशियन के पास जाके चेक करवाना होगा, बट अगर कोई कनेक्शन लूज है तो आप यहीं पे खुद अपने आप ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स थैंक यू। अगर कोई और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं किसी भी कार में तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कार मॉडल के साथ प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स थैंक यू। Thank you for watching.